नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 8 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च की है। तो नीतीश नाम से आपदा चेतावनी जो डिवाइस है, तो इसे बिहार राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश नीतीश के फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स, तो नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। और जो तकनीकी है, ये विशेष रूप से तड़ित लाइटिंग के लिए बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीतलहर को लक्षित करती है। जो नीतीश डिवाइस है, इसे आईआईटी पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है, इसके सहयोग से बनाया गया है। और जो ये डिवाइस है, ये बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से संबंध है, जो वास्तविक समय, जो रियल टाइम और सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। जो नीतीश डिवाइस डिवाइस है, ये आकाशीय बिजली गिरने और बाढ़ आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को अलर्ट देगा। इसमें जो किसान है, तो इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस डिवाइस को बनाया गया है, और इस डिवाइस को वाटर प्रूफ बनाया गया है ताकि ये मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में सुचारू ढंग से कार्य कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रो आर्चर फॉर 2023 अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? आदिति गोपीचंद को। ए ऑप्शन, तो आदिति गोपीचंद को ये अवार्ड दिया गया है। तो आदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, और आदिति ने पिछले साल 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। आदिति गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया था इस बार, और 2023 जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। साथ ही 2023 में आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है आदिति गोपी चंद। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष रोबोट जिसका नाम है व्योमित्र, इसरो के किस मिशन से संबंधित है? जो व्योमित्र, जो अंतरिक्ष रोबोट व्योमित्र है, ये इसरो के मिशन गगनयान, तो मिशन गगनयान से संबंधित है व्योमित्र। डिटेल जान लेते हैं। तो मिशन गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस गगनयान को इसरो द्वारा 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। जो व्योमित्र है, ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, व्योम और मित्र, जिसका अर्थ है, व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष और एवं मित्र तो मित्री है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में तेलंगाना के सीतम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई? तो तेलंगाना के जो सीतम्मा लोडी है, यहां पर किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? मध्य पाषाण काल के, तो मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। तो हाल ही में रविंदर रेड्डी और डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी ने तेलंगाना के सीतम्मा लोडी में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबिका पेंटिंग्स पेंटिंग्स, तो सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? जो सुबिका पेंटिंग है, तो इसका संबंध है मणिपुर से। सी ऑप्शन, तो मणिपुर से संबंध है सुबिका पेंटिंग का। तो मणिपुर की जो सुबिका पेंटिंग है, ये विलुप्त होने की कगार पर है, और जो सुबिका पेंटिंग है, इसका विलुप्त होने का कारण है कला के बारे में जागरूकता की कमी आना। सुबिका जो पेंटिंग है, ये मणिपुर के मैतेई समुदाय से संबंधित है, तो मैतेई समुदाय से संबंधित है इस पेंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सचिव कौन बने? तो भारत के स्वास्थ्य सचिव बने हैं अपूर्व चंद्रा। तो अपूर्व चंद्रा हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार
दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर है तो वो है लंदन। तो ये किस इंडेक्स के अनुसार है? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार तो लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले के बरगुर हिल्स में अपना 18वां थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इसे घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार फरवरी 2024 में कुल 5 भारतीय संगीतकारों ने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं, तो हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स के विनर्स की घोषणा हो चुकी है और इस बार अमेरिका के लॉस एंजल्स में इस इवेंट का आयोजन किया गया। जो ग्रैमी अवार्ड का जो ये इवेंट है इसका आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर सबसे बड़ा सम्मान है, उसी प्रकार ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। संगीतकारों को दिया जाने वाला इस सबसे बड़े अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में और यह अवार्ड अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज NARS के द्वारा दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इस ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। जो पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला भारतीय है वह है पंडित रविशंकर। जो ग्रैमी अवार्ड 2024 की बात करें तो जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड दिए गए हैं और राकेश चौरसिया को 2 अवार्ड। वादक तथा बांसुरी वादक समेत 5 भारतीय संगीतकारों ने ये पुरस्कार जीता है। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए और जबकि राकेश चौरसिया ने 2 पुरस्कार जीते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो 5 भारतीयों को दिए हैं, 5 भारतीय संगीतकारों को 2024 में दिए गए हैं, उनके नाम है जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, गायक हैं शंकर महादेवन, वायलिन वादक हैं गणेश राज गोपालन और ताल वादक हैं सेलवा गणेश विनायक राम। तो इन 5 व्यक्तियों को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 8 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।